हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहनाज सबेस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट वाली न्यूज़ देने वाली हूँ सारे के सारे यंग फैंस को एंड सारे के सारे इश्क में मैं जाऊँगा फैंस को। सो या इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो स्टार्ट टुडे इस वीडियो। सो गाइस, आप लोगों को बताऊंगा इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स की जो वोट्स थे वो भी हो चुके हैं और रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। सो गाइस, हमारा रिजल्ट में हमारा रियांश पीछे रह गया, मतलब यानी कि हमारा रियांश को अवार्ड नहीं मिला, अवार्ड ले लिया राधा कृष्ण जोड़ी ने। सो हमारे रियांश के साथ वानी जोड़ी के साथ और राधा कृष्ण जोड़ी के साथ एक डिफ़िकल्ट सा जो है कंपटीशन था। सो कंपटीशन में सब लोग तो विनर नहीं होंगे ना, मतलब वानी जोड़ी तो विनर नहीं होगी या फिर रियांश तो नहीं होगी। सो एक ही लोग ही होंगे। सो हमारे राधा रियांश जोड़ी जो है ये डिज़र्व करता था और रियांश जोड़ी के वोट्स डिलीट होने लग गए। हमारे रियांश का वोट जो है हाथ से निकल गया रियांश फैंस के। सो अब हम लोग को क्या करना ना, अब हम लोग को आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड में हम लोग को वोट करना है। हमारे रियांश के हाथ से नहीं जाना चाहिए ये अवार्ड। ये अवार्ड बहुत ही मतलब इंटरनेशनल, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स में अगर हमारा रियांश जीत गया तो उसकी म्यूज़िक एल्बम पक्की लगा लो आप लोग, बट ऐसा तो नहीं हुआ। तो हम लोग को और एक बार कोशिश करनी है, वही जोश, वही मतलब जो भी आप लोग जोश होना नहीं है आप लोग को, जो होशो आवाज़ में आप लोग को फिर से वोट करना है। जैसे कि आप लोगों ने इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स में हमारे रियांश को इतना प्यार दिया है, हमारे इसमें जो सीजन 2 के को स्टार्स राहुल से एंड हेलिशा को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिलवाया है, अवार्ड उनको मिला है। बट बेस्ट शो का अवार्ड भी, बेस्ट शो में तो हमारे इश्क़ मज के साथ फुल टू फुल चीटिंग हुई है, 100% चीटिंग हुई है और हमारे रियांश के साथ तो बहुत ही बड़ी चीटिंग हुई है भाई। तो हम लोग को ये सब जो है आइकॉनिक बेस्ट जो मतलब सॉरी आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड जो है ना, आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड जिसको मिलता है उसकी उस जोड़ी की नसीब जो है ना एकदम खुल जाती है। उस जोड़ी के म्यूज़िक एल्बम्स तो आने ही लग जाते हैं, उस शो मतलब उस जोड़ी को जो है ना हर चीज़ में लेने का सब लोग सोचते हैं कि इस जोड़ी को लिया जाए। तो इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स में जो जोड़ी जीतती है उस जोड़ी का भी थोड़ा सा जो है मतलब होता है, म्यूज़िक एल्बम ये वो सब भी चीज़ें आती है। और जो जोड़ी आइकॉनिक बेस्ट मतलब गोल्ड अवार्ड में जो जीतती है ना, जो जोड़ी गोल्ड अवार्ड जिसको दिया जाता है साल का, तो 2021 का अवार्ड किसको जाता है ये देखना। मैं तो वोट कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी, किसी को नहीं पता है, मुझको खुद भी नहीं पता है तो मैं कहाँ से बताऊँ भाई। सो मैं खुद पता करती हूँ ठीक से, मतलब कन्फर्म से पता करना पड़ेगा ना, इधर उधर से पता करेंगे तो हम लोग को कुछ भी आप लोग को समझ में नहीं आएंगे। सो मैं ठीक से पता करती हूँ फिर आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि कुछ भी अगर मिस्टेक होगा, कुछ टाइपिंग में लिखना इधर उधर में अगर हो जाएगा तो हमारे रियांश जोड़ी का कुछ भी हो सकता है। सो हमारे रियांश जोड़ी को जो हम लोग को जिताना है अभी और गोल्ड अवार्ड जो है दिलवाना ही है हमारे रियांश फैंस के। अगली बार हम लोगों ने इतना सारा वोट किया बट कुछ भी नहीं हुआ इसके, मतलब कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ, रियांश पीछे चला गया। हम लोग जानते थे कि राहुल से और हेलिशा नहीं जीत पाएंगे, ऐसे हम लोग सोचते थे, बट ऐसा नहीं हुआ, रियांश जोड़ी ही हार गई। हम लोग जानते थे कि रियांश जोड़ी जैसे तैसे ही जीत जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो ये चीज़ हम लोग को अगली बार से बदलनी है। आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड हम लोग को रियांश को ही दिलवाना है और आइकॉनिक बेस्ट एक्ट्रेस, आइकॉनिक का गोल्ड जो बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट एक्टर का होता है ना, वो भी हम लोग को राहुल एंड हेलिशा को ही देना है, मतलब दिलवाना है। और हम लोग को ना रियांश और इश्क में जाऊँ सीज़न 2 को दिलवाना है, मतलब फुल फोकस हम लोग का इश्क में जाऊँ सीज़न 2 को वोट करने में और हमारे रियांश को करने में जाएगा। राहुल से और हेलिशा को इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स का वोट उनको अवार्ड उनको मिला है, तो हम लोग को राहुल से हेलिशा को वोट करना है। बट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इश्क में मजावा को करो और हमारे जो है ना हमारे रियांश को करो, यही करो बस, यही अच्छा होगा। आप लोग रियांश और इश्क में मजावा सीजन 2 को वोट करने में ज़्यादा फोकस करो, ना कि राहुल से हेलिशा को। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि राहुल से और हेलिशा को वोट ही ना करो, उनको इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड का अवार्ड मिला है तो उन लोग को मत करो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, उन लोग को भी करो, बट रियांश को सबसे ज़्यादा करो। मास वोटिंग हर दिन होनी चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंगली मास वोटिंग हर दिन एक टाइम दो टाइम ही होनी चाहिए। एक तो सुबह सुबह जैसे सब लोग जैसे सुबह एक जैसे बता देंगे मैं 11 से लेकर 12 बजे तक सुबह फ्री हूँ, मैं 10 बजे से लेकर 12 बजे तक फ्री हूँ, सो वैसे ही सब लोग जो अपनी
टाइमिंग बता देनी है, उसी टाइम में सब लोग डिसाइड करके जो 11 से लेके 12 बजे तक मास वोटिंग होगी तो मज़ा आएगा। तब सब लोग एक साथ वोट करेंगे ना, अकेले अकेले वोट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप लोग मेरे बात मानो, आइकॉनिक बेस्ट एक्ट्रेस में मतलब गोल्ड गोल्ड का जो अवार्ड हम लोग को रियांश को ही दिलवाना है, सीजन 2 को ही दिलाना है। और अगर हमारे रियांश अगर इस बार भी नहीं जीतेगा तो लोग जो हम लोग को हंसेंगे, जो रियांश किसी भी अवार्ड में नहीं जीत रहा है, फैंस क्या कर रहे हैं भाई, इतने सारे फैंस है, इतने सारे फैन पेजेस है, इतने सारे फैन पेजेस के इतने इतने फॉलोअर्स है, इतने इतने सब्सक्राइबर्स है, वो लोग क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, इतने वोट ही नहीं कर रहे, वोट कर रहे बट रियांश जोड़ी नहीं जीत रहे। इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स में भी वैसे ही हुआ, अगर गोल्ड अवार्ड आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड में भी अगर वैसे ही हुआ तो समझ लो हमारे रियांश पर सब लोग जो है हंसेंगे, सब लोग जो है हंसेंगे कि रियांश कुछ नहीं, कोई भी अवार्ड नहीं ले रहे, ऐसे हंसेंगे तो हम लोग को बुरा लगेगा। सो इस बार हम लोग को जो है हारना नहीं, हम लोग को जीतना है, हमारे रियांश को जीतना है। अगर इश्कमा जवान सीजन 2 को भी जिताना है, इश्कमा जवान सीजन 2 को और रियांश को मार्शली जिताना ही है। अगर राहुल से और हेलिशा हार गए तो कोई नहीं, और आप लोग जो है और फैंस कुछ फैंस जो है ना सैड हो गए कि राहुल सिद्धि और हेलिशा जीत गए बट रियांश नहीं जीते, तो सैड होने का क्या है भाई, सैड होने का क्या है, हमारे राहुल से हेलिशा के खाली आ गए हैं, मतलब राहुल से हेलिशा को भी अवार्ड मिली है भाई, आप लोग ऐसा सैड मत हो। और मैं आप लोग को एक चीज़ बोल दूँ, अभी सैड हो गया आप लोग जो है अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, सो कैसे वोट कर, मैं ना अभी आप लोग को जो है पता करती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं लग गया, मैंने आप लोगों से कहा था दो तीन दिन में ही हो जाएगा, और वोट के अवार्ड जो है कैसे होते हैं मुझको खुद भी नहीं पता, खुद भी नहीं मालूम, तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ। सो आप लोगों को वेट करो, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो डालूँगी, वीडियो बनाना सबसे ज़्यादा बोलना बकबक करना ये सब अपडेट ढूंढना बहुत कुछ होता है, आप लोग नहीं समझोगे क्योंकि आप लोग सोचते हो इन लोगों को कितना टाइम लगता है, लेकिन हम लोग को एक ऐसी पोजीशन चाहिए जहाँ पर हम लोग आराम से वीडियो बना सके, जहाँ पर कोई बाहर का आवाज़ ज़्यादातर नहीं आए, ऐसी कुछ इधर उधर तोड़फाड़ की आवाज़ ज़्यादातर नहीं आए, ऐसी पोजीशन हम लोग को चाहिए होती है वीडियो बनाने के लिए। और कैसे आप लोग एक चीज़ बता दूँ, इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स में हमारे यहाँ नहीं जीता है तो उसको मास्ट आप लोगों को जिताना है, और मैं मास वोटिंग अगर होगी तो मैं आप लोगों को टाइमिंग वगैरह बता दूंगी। और हमारे रियांश क्रिएटेड कल एक ट्रेंड था, सो वो ट्रेंड पार्टिसिपेट सब लोगों ने किया, वो ट्रेंड जो है सक्सेसफुल गया था, वो ट्रेंड हमारे किसके लिए था मुझको उतना तो याद नहीं है क्योंकि उस ट्रेंड में मैंने पार्टिसिपेट किया था बट भूल गई क्योंकि कल रात की बात है, तो रात को मुझे एक उतना याद नहीं है, बट कल जो ट्रेंड हुआ था किसी के भी रिलेटेड हो तो वो ट्रेंड पार्टिसिपेट भी किया गया था और सक्सेसफुल भी किया था। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन सब्सक्राइब दिस चैनल। गाइस इस वीडियो का ये एंड होता है, कोई न्यू धमाकेदार अपडेट्स के साथ मैं आप लोगों के साथ न्यू वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए चैनल पे थैंक्स वॉचिंग माई वीडियोज़।